हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस समय मैं हूँ एयरपोर्ट पे, अपना कोलकाता एयरपोर्ट पे हूँ, आप देख सकते हो। और मैं इस समय जा रहा हूँ, देहरादून जा रहा हूँ, उत्तराखंड। मैंने वो चैनल में पोस्ट भी किया था कि मैं 7 डेज़ के लिए अपने उत्तराखंड में जा रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड है तो उसकी वेडिंग है, तो वो मैं जा रहा हूँ अटेंड करने। सो, मैंने आप लोग से पूछा भी था कि क्या मैं देहरादून, मतलब वहाँ से मैं व्लॉग्स मैं करूँ अपलोड। सो, मैक्सिमम जो आप लोग के जो आए थे, जो आंसर्स आए थे, यही आए थे कि हाँ आप करो। सो, यही मैंने किया, डिसाइड किया है कि वहाँ के मीन्स मेरा जो भी ट्रैवल रहेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर काफ़ी जगह जाऊँगा, घूमूंगा, कसूरी जाऊँगा, चौपटा जाऊँगा, रुद्रप्रयाग जाऊँगा और 3-4 जगह और जाऊँगा। और देहरादून और उत्तराखंड बहुत ही मीन्स नेचर वाइज ब्यूटीफुल प्लेस है। सो, आई होप आप कोलकाता में बैठे बैठे, मैं वही चाहता था कि थोड़ा सा मीन्स कोलकाता मेट्रो के अलावा भी कुछ दिन आप वहाँ का भी आप देखो कि जगह कैसी है, ठीक है। एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी वहाँ पर जाना चाहिए घूमने, क्योंकि बहुत ही अच्छे वहाँ पर जगह है। मैं केदारनाथ का भी मैं सोच रहा था, बट अभी मंदिर अभी बंद है। सो, और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, बट बाकी और भी जगह है बहुत अच्छे अच्छे हैं वहाँ पर। सो, मैं वही करूँगा कोशिश कि आप लोगों को मैं वहाँ का जो भी है, जहाँ भी मैं जाऊँगा, तो उसके शॉर्ट्स डाल के मैं आपको आपके साथ में यहाँ पर शेयर करूँगा। एंड गाइस, ऐसा नहीं है, मैंने एक चीज़ और बोला था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कोलकाता मेट्रो से रिलेटेड, जहाँ पे मैं न्यूज़, जो भी अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, अपडेट्स आ रहे हैं, टेक्निकल जो भी स्टफ्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वहाँ से मैं वो भी, मैं 3-4 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो भी आई हैं, सो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे हमारा जो एस्प्लेनेड टू सियालदह रूट है, उस पर एक अपडेट आया है। फिर एयरपोर्ट टू न्यू बैरकपुर है, उस पर एक बहुत इम्पोर्टेंट अभी अपडेट आया है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइज, ये है हमारा एयरपोर्ट है, और मेरा जो है वो गेट नंबर 15 से है। सो, बस अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। सो, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और यही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। ऐसा नहीं है कि मेट्रो रिलेटेड नहीं है, आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। एंड मैं 27th को आ जाऊँगा, वापस आऊँगा, फिर उसके बाद नॉर्मल जो मैं अपने वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ रिलेटेड टू कोलकाता मेट्रो अपडेट्स, वो आएंगे। और साथ में जो हमारे, जो मैंने बताया, जो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, उसका नाम होगा इन्फो सीरीज़, नाम होगा कुछ, नाम मतलब मैंने अभी सोचा है, इन्फो अपडेट्स ऐसे होगा ना। सो, वो भी आएंगे। सो गाइज, अब मैं बोर्डिंग अब स्टार्ट होगी उस देर में, फिर मैं मिलता हूँ आपसे आगे। सो गाइज, बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है अभी, आप देख सकते हो सारे लोग लग गए लाइन में, और बोर्डिंग अभी चालू हो गई है। एंड जो ये मेरी फ्लाइट है, ये 2 घंटे 20 मिनट की है। सो, 9:40 पे इसका शेड्यूल डिपार्चर है, और अराइवल 12 बजे का है। एक वहाँ पर एमिरेट्स की फ्लाइट है, आप देख सकते हो ये सामने खड़ी हुई है, जो मुंबई से आती है। थैंक यू। सो गाइस, अब एरोब्रिज से होते हुए मैं जाऊंगा एयरक्राफ्ट में। सो गाइस, अब बस
एयरक्राफ्ट में एंट्री होगी। सो गाइस ये है हमारा एयरक्राफ्ट आया, ये है एयरबस A320 नियो, ये A320 नियो। सो मैं आपको बता दूं, दो होती हैं सीरीज, एक एयरबस होती है और एक बोइंग होती है। सो जो बेसिक जो यूज़ होता है हमारे इंडिया में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वो एयरबस A320 होता है। इसके ऊपर फिर एयरबस A340 आता है, A350 आता है, तो वो बहुत वो लॉन्ग डिस्टेंस जो फ्लाइट्स होती हैं उसमें यूज़ होता है। सो गाइस यहीं पे अब एंट्री हो रही है अभी। सो गाइस होर्डिंग हो गई है मेरी और बस अब हम लोग डिपार्चर के लिए रेडी हैं और वो सामने एक एयर इंडिया का एयरबस A321 खड़ा है। जो A321 जो मेरी फ्लाइट है वो है A320 नियो, तो इससे ये थोड़ा बड़ा फ्लाइट है। आप देख सकते हो ये लिखा हुआ A321 और आई गेस A321 सिर्फ एयर इंडिया के पास है। एंड गाइस मुझे थोड़ा सा फ्लाइट एंड प्लेन वेन का थोड़ा आइडिया है क्योंकि मैंने एक बार पायलट वाला मींस जो CPL होता है मैंने उसके लिए थोड़ी बहुत की थी प्रिपरेशन की थी, बट बीच में फिर मुझे मतलब ब्रेक करना पड़ा। एंड बस अभी डिपार्चर होने वाला है एंड देहरादून में जो अराइवल है वो है 12 बजे का है। सो गाइस अब मैं आपसे अब हाँ तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा फ्लाइट जब टेक ऑफ जब करेगी तो उसका मैं कुछ आपको दिखाऊंगा शॉर्ट्स। सो गाइस अभी पुशबैक हो रहा है। पुशबैक क्या होता है कि इसमें प्लेन अपना इंजन पावर यूज नहीं करता है और एक एक्सटर्नल एक आप कह सकते हो एक बार होती है वो पुश करती है, तो ये पुश करती है जब तक टैक्सी वे होता है। टैक्सी का मतलब होता है कि जब टैक्सी चालू होता है। अब देखो अभी पुशबैक हो रहा है एंड जब ये स्टॉप हो जाएगा फिर एयरक्राफ्ट अपने इंजन स्टार्ट करेगा। हाँ अब फिर टैक्सी होगा। सभी शौचालयों में स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। क्रू के आदेश के बिना गाइस यहाँ से आपातकालीन निकास और अन्य सुरक्षा उपकरण एयरक्राफ्ट अपने छेड़छाड़ इंजन स्टार्ट आगे हो गया है एंड अब यहाँ से कार्रवाई हो सकती है। टैक्सी होगा, रेल में एक सुरक्षा टैक्सी होता है जब तक फ्लाइट एयरक्राफ्ट अपने रनवे तक पहुंचता है फिर रनवे से टेक ऑफ करता है। टैक्सी पे जो टैक्सी जब करता है तो उस समय जो स्पीड होती है वो अराउंड 40-50 mph होती है मैक्सिमम। हाँ तो अब यहाँ पे रुका, ठीक है अब यहाँ से इंजन स्टार्ट होंगे। वो आपने देखा वो फ्लैप्स डाउन द फ्लैप आप क्या इन्हें फ्लैप बोलते हैं। सामने ये जो आप देख रहे हो ये फ्लैप्स होते हैं, ये विंग्स हैं इसके। ये जो दो ये आप देख रहे हो रडर्स बोलते हैं ना, ये सामने जो है जो व्हाइट एंड ब्लू में अब इंजन स्टार्ट हो गया है क्योंकि उसकी स्मेल आ रही है डीजल की जो इसमें जो फ्यूल होता है उसकी स्मेल आ रही है। अब यहाँ से टैक्सी चालू होगा। सो गाइस इंजन स्टार्ट हो गया है, सामने से बकल में डाल आपको एडजस्ट करें, उसके आवाज भी आ रही होगी। जैकेट को फुलाने के लिए लाल टैब्स या टैब को ऐसे खींचे। अभी इंजन स्टार्ट हो गया है, इन लाल नलियों या अगर आप ध्यान से आप सुनोगे, ध्यान रखें कि द्वार के बाहर निकलने से बिल्कुल पहले आप रक्षा जैकेट में हवा भर लें। यदि आप ओवर विंग द्वार से बाहर निकल रहे हैं तो रक्षा जैकेट में हवा बाहर निकलने के बाद ही भरें। अगर विमान में स्लाइड या स्लाइड राफ्ट लगे तो बाहर निकलते ही आप निकटतम राफ्ट पर चढ़ जाएं।
विमान कर्मी दल की अनुमति के बिना रक्षा जैकेट को इस विमान से हटाना वर्जित है. इन द अनलाइकली इवेंट ऑफ अ वाटर लैंडिंग, टेक द लाइफ जैकेट फ्रॉम अंडर योर सीट, स्लिप इट ओवर योर हेड, सिक्योर द स्ट्रैप. अब आगे स्टार्ट होगा. इन्फ्लेट बाय पुलिंग द रेड टैब्स और ब्लोइंग इनटू द इन्फ्लेशन ट्यूब्स. इन्फ्लेट द लाइफ जैकेट जस्ट बिफोर लीविंग द मेन एग्जिट डोर्स. इफ इवैक्यूएटिंग थ्रू एन ओवरविंग एग्जिट, इन्फ्लेट द लाइफ जैकेट आफ्टर लीविंग. बोर्ड द नियरेस्ट ड्राफ्ट ऑन एग्जिट. टैम्परिंग विद और रिमूविंग द लाइफ. और गाइस, पुशबैक करने के पीछे का जो रीजन ये होता है कि मींस कंपनी चाहती हैं कि मैक्सिमम फ्यूल सेव हो. सो पुशबैक में अगर इतने बड़े प्लेन को, अगर प्लेन को खुद से अगर पुश बैक करना हो पीछे के, मींस रिवर्स में अगर बैक जाना हो, तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है. फॉरवर्ड से ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है बैकवर्ड में. सो इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, ये पुश बैक होता है. और आजकल तो पुश बैक जो व्हीकल्स यूज़ होते हैं वो आपके वो होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं. सो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है. सो गाइस, एक्सी स्टार्ट हो गया, एक्सी स्टार्ट है और अब धीरे धीरे प्लेन जाएगी, प्लेन सॉरी एयरक्राफ्ट, जो बेसिक जो टर्म होता है वो एयरक्राफ्ट होता है. सो एयरक्राफ्ट जाएगी टुवर्ड्स रनवे. और गाइस मैं बता दूं, कोलकाता एयरपोर्ट का जो टैक्सी वे है वो काफ़ी लंबा है. और ऐसे भी हम लोग की जो फ्लाइट है वो गेट नंबर 15 पे थी, जो बहुत आगे है. सो ये टैक्सी वे काफ़ी लंबा होगा जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंडिंग होती है बेसिकली जो हमारा टेक ऑफ होता है वो खाली जो एरिया है उस साइड से होता है. सो अगर उस साइड से, हाँ तो उस साइड से होगा तो टैक्सी वे बहुत लंबा होगा ये. उसके बाद फिर जाकर हमारा टेक ऑफ के लिए रेडी होगी. आप देख सकते हो स्पीड ज़्यादा होती नहीं टैक्सी में, मीन्स जो मैक्सिमम जो बोला जाता है कि 40-50, बट जनरली हाँ अभी जो स्पीड होगी वो 20-30 होगी. एंड गाइस, बहुत ही रेयर ऐसा होता है जब आपके बगल के दोनों सीट खाली हो, जब आप देख सकते हो मेरे बगल की दोनों सीटें खाली हैं, बहुत ही ऐसा रेयर मिलता है, रेयर चांस होता है. वो सामने आप जो देख सकते हो जो ब्लैक पिच है वो है हमारा रनवे है, और रनवे के पैरेलल टैक्सी हो रहा है अभी. अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड लिया है. तो गाइस आप देख सकते हो एक प्लेन जस्ट आई गेस ये लैंड की है. हाँ ये लैंड की है, ये स्पीड स्लो हो गया है. अब हमारी प्लेन है एयरक्राफ्ट, वो अब जा रही है टुवर्ड्स रनवे. वो है हमारा एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट. इसके पीछे पीछे एक और प्लेन आ रही है, ये वो वाली प्लेन है जो अभी लैंड की है, एयर इंडिया एक्सप्रेस. एंड गाइस अब आप देख सकते हो ये अब रन होके अब आ गई है रनवे पे, यहाँ से आई है सामने से. अब गाइस टेक ऑफ हो गया, होने वाला है टेक ऑफ स्टार्ट. टेक ऑफ के टाइम मैक्सिमम स्पीड बता देता हूँ A320 का 275-280 होता है KMPH. ये वो सामने प्लेन है जो, और गाइस टेक ऑफ हो गया है. टेक ऑफ बहुत ही अच्छा था, ज़्यादा टाइम लगा नहीं, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया.
ये आप देख सकते हो, ये हमारा एयरपोर्ट है। एमिरेट्स की फ़्लाइट खड़ी हुई है, आगे स्टार्ट हो गया दुबई से फ़्लाइट आना। और ये हमारा कोलकाता, ये है चिनार पार्क। और ये गाइस आप देख सकते हो मेट्रो का, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा मेट्रो का, ये वो है आपका हल्दीराम वाला क्रॉसिंग। यहाँ से भी आपने देख लिया, दैट्स यूज वाओ। मैं मैक्सिमम जो जाता हूँ वो मैं शाम को जाता हूँ, तो मेरे को इतना क्लियर व्यू दिखता नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ, आप देख सकते हो पूरा कोलकाता, पूरा कोलकाता आप देख सकते हो। दिस इज़ ब्यूटीफुल, हर जगह सिर्फ मकान ही मकान दिख रहे हैं, ग्रीनरी है ही नहीं, इसीलिए गर्मी हो रही है इतनी। हर जगह सिर्फ बिल्डिंग बिल्डिंग। ये है वीआईपी, ये रहा बिग बेन हमारा, बिग बेन टावर, लेक टाउन। यही देख रहा हूँ कि कौन सा जगह है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर्च करने का, क्योंकि अब हाइट पे आ रही है। देख सकते हो आप, अगर आपको कुछ समझ में आए यहाँ पे, हिमालयन पीक्स जो मुझे दिख रहे हैं ये सामने, आप देख सकते हो एक तो ये भी है, ये थोड़ा सा दूर मॉडल अगर मैं करता हूँ तो आपको और दिखेगा, क्लियरली दिखेगा। ये क्यों यहाँ पे दिख रहा है, ये गाइस देखिएगा, ये वाला जो पीक है इसमें स्नो दिख रहा है मुझे। क्योंकि ये जो फ्लाइट है ये नेपाल के पास से होते जाती है, इसका रूट थोड़ा सा अलग है, तो ये नेपाल के बॉर्डर के साइड से होते हुए ये जाती है, तो यहाँ पे हमें हिमालय पीक्स दिखते हैं। ये तो साफ साफ दिख रहा है, साफ अच्छा लग रहा है। ये वाला कैमरा इतना क्लियर जूम दिखा सकता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का। वेदर अभी क्लियर वेदर है, एकदम क्लियर है, इसलिए अभी दिख भी रहा है। सो गाइस मैंने कंफर्म कर लिया है एयर होस्टेस से, एंड उन्होंने बोला कि यस दीज आर हिमालयन पीक्स, एंड जब आप देहरादून आप जाते हो तो आपको यहाँ से दिखते हैं, यू गेट अ व्यू ऑफ दिस अमेजिंग हिमालयन पीक्स। और इसमें शायद माउंट एवरेस्ट भी है, दिखता है, बट आई डोंट नो वो कौन सा है। एक ये यहाँ पे दिख रहा है सामने, एक ये भी है, ये पीक आप देख सकते हो, वाह क्लियरली एकदम दिख रहा है यहाँ से, मैं आपको अगर दिखाऊँ जूम करके, सो ये आप देख सकते हो, दिस इज़ ब्यूटिफुल। थोड़ा सा जूम आउट
करके आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे भी लाइन से है और ये सारे पीक्स नेपाल में आते हैं। अब इनमें माउंट एवरेस्ट कौन सा था आई डोंट नो, बट माउंट एवरेस्ट तो आई एम श्योर कि मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं, सो माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। सो ये तो साफ साफ पता चल रहा है। अब जो व्यू आने वाला है वो लिटरली ब्रेथ टेकिंग व्यू है। सीरियसली ब्यूटीफुल, आप देख सकते हो ये पीक्स है यहाँ पे, और अब जो पूरा एक रेंज आएगा पीक्स का ये आप सामने, आप जो यहाँ देख सकते हो ये आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल रियली ब्रेथ टेकिंग व्यूज। अभी मैं जो देख रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है अब, ये देखो ये मुझे पता नहीं था, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट सीरियसली दिस इज अमेजिंग। इसको कहते हैं जो भी पैसा लगाया फ्लाइट में सब पैसा वसूल। दिस इज ऑसम। अब मैं सोच रहा हूँ माउंट एवरेस्ट तो हो जाएगा, मालूम हो जाएगा क्योंकि इसकी हाइट वो अलग से दिखता है, बड़ा है काफ़ी। सो गाइस इसी मैं यही कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा फ्लाइट और आगे हो। अभी ऐसा लग रहा है कि फ़्लाइट रुकी हुई है, बट यहाँ पे फ्लाइट की स्पीड अराउंड 750 टू 800 किलोमीटर पर आवर है। ये आप देख सकते हो ये लाइन से ये रेंज है। वाह ब्यूटीफुल, लिटरली ब्यूटीफुल। यहाँ भी गाइस आप देख सकते हो ये है कुछ पीक्स, छोटी छोटी पीक्स है। ये एक पीक रहा, नंबर सेकंड पीक, थर्ड, ये एक है। थोड़ा इधर में देखूँ तो यहाँ भी आप देख सकते हो लाइन से पीक्स है, ये एक लाइन से सारे पीक्स हैं। इधर ये हो गया, एक ये हो गया, फिर एक और आया ये देखो, फिर ये आया प्लेन और पास से होके जाती, स्टिल ब्यूटीफुल। ये आप देख सकते हो ये है, ये मैंने एकदम जूम कर दिया, थोड़ा सा गर्द होने लगा बट ठीक है। ये देखो ये वाला, ये एक पीक, गॉर्जियस, अमेजिंग। एक ये पीक रहा, फिर एक ये भी है, बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ भी गाइस आप देख सकते हो ये है कुछ पीक्स, छोटी छोटी पीक्स है। ये एक पीक रहा, नंबर सेकंड पीक, थर्ड, ये एक है। थोड़ा इधर में देखूँ तो यहाँ भी आप देख सकते हो लाइन से पीक्स है, ये एक लाइन से सारे पीक्स हैं। इधर ये हो गया, एक ये हो गया, फिर एक और आया ये देखो, फिर ये आया प्लेन और पास से होके जाती, स्टिल ब्यूटीफुल। ये आप देख सकते हो ये है, ये मैंने एकदम जूम कर दिया, थोड़ा सा गर्द होने लगा बट ठीक है। ये देखो ये वाला, ये एक पीक, गॉर्जियस, अमेजिंग। एक ये पीक रहा, फिर एक ये भी है, बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है।
जगह है ये नहीं पता, बट काफ़ी अच्छे व्यूज हैं यहाँ के। ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे व्यूज हैं कुछ अच्छे। देख सकते हो देहरादून एयरपोर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अराइव्ड इन देहरादून, थैंक यू। ये सामने माउंटेन रेंजेस। अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देख लें ताकि आपका कोई सामान विमान में रह ना जाए। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी। सो गाइस, आई हैव लैंडेड इन देहरादून और मैं देहरादून पहली बार आ रहा हूँ। इसके पहले आया नहीं, कभी नहीं आया। अच्छी फ्लाइट थी, वेरी कंफर्टेबल, और जो हिमालयन रेंजेस के व्यूज देखे मज़ा आ गया, लिटरली मज़ा आ गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो है एयरपोर्ट, और अब मैं गाइस आपसे एयरपोर्ट में आकर बात करता हूँ। सो गाइस, ये है यहाँ का एयरपोर्ट
देहरादून एयरपोर्ट, छोटा एयरपोर्ट है, आई गेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एंड ज़्यादा भीड़ नहीं है, अभी खाली है, ये आप देख सकते हो। आई गेस ये नया बना है, ये जो मुझे पुराना वाला पता है वो काफ़ी ओल्ड स्टाइल था, छोटा था। सो ये है यहाँ का एयरपोर्ट, इसका स्ट्रक्चर आई गेस जो नॉर्थ गोवा में जो एयरपोर्ट बना है अभी नया वाला, होपा एयरपोर्ट, सेम टू सेम ऐसे लगता है। ये एग्जिट है। सो गाइस, अब मैं देहरादून एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ, ये आप देख सकते हो एयरपोर्ट, काफ़ी सुंदर एयरपोर्ट है यहाँ का। और अब गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को मेरी जर्नी पसंद आई होगी, खासकर जो हिमालयन रेंजेस थे वो। एंड अब गाइस, अब मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश, वहाँ से मैं आगे जाऊँगा रुद्रप्रयाग, वहाँ पे मैं आज स्टे करूँगा। सो गाइस, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, एंड चैनल को रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए, एंड जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिए। मैं तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।